पूछा था कि सर अभी जो करंट सिचुएशन है इंडिया से, वीजा रेशो है कितनी है या कैसे वीजा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो अभी रेशो तो आपको बहुत पहले से ही पता है कि इंडिया से कोई ज्यादा अच्छी नहीं है वीजा की रेशो, लेकिन उसका एक कारण है कि अभी दोस्त ने पूछा था कि सर 10 नंबर की जो रिजेक्शन है वही क्यों आती है, तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे से ताकि आपको भी थोड़ा पता चल जाए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी जो भी मेरे को फॉलो करते थे अभी उनको पता ही है कि अभी मैं बहुत टाइम के बाद में वीडियो बना रहा हूं, कुछ थोड़ा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और जो दोस्त चलो मेरे साथ इंस्टा पे मेरे साथ अटैच थे, उनके साथ तो मेरी बात होती भी रही, जो भी मेरे को वो पूछते थे मैं उनके साथ बात करता रहा, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को नहीं भी रिप्लाई दे पाया, उनसे भी सॉरी मांगता हूँ। तो दोस्तों अभी कुछ कमेंट दोस्तों के आए थे, तो अब आज हम ये वीडियो में उसी के रिलेटेड बात करेंगे कि जो जो कमेंट उन्होंने किए थे, तो मुझे लग रहा है कि और भी दोस्तों के साथ वो सेम प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आज हम उसके रिप्लाई करते हैं। और सबसे पहले एक दोस्त ने कमेंट मारा था कि सर मेरा जो एजेंट है ना वो 20,000 मांग रहा है मेरे से वीज़ा मेडिकल के लिए, कि आपको ना पोलैंड के लिए पहले मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने उसको इंस्टा पे वैसे तो रिप्लाई कर दिया था उसी टाइम में, और लेकिन अभी और दोस्तों को भी ये प्रॉब्लम सेम हो सकती है, तो इसके लिए मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बात कि जो मेडिकल है वो आपका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पोलैंड के लिए आपका जो मेडिकल ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, लेकिन इतना महंगा 20,000 का मेडिकल आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही आपका एजेंट आपसे पैसे बना रहा है मेडिकल के नाम पे, लेकिन इतना महंगा मेडिकल आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरे छोटी कंट्रियों का होता है, दुबई के लिए आना है तो आपको मेडिकल होता है 1,000 का होता है या 1,500 का होता है, वो मेडिकल आपको करवाना है वो करवा सकते हैं। उससे क्या है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपका जो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोई आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो इतना 20,000 का मेडिकल आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा आपका एजेंट है जो आपसे पैसे खा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोस्त को तो पहले उसी टाइम में बोल दिया था, तो उसने नहीं करवाया फिर। तो इसलिए अगर हाँ आपको होगा पोलैंड में मेडिकल, लेकिन वो नॉर्मल सा होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल फिर भी आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप नॉर्मल मेडिकल है वो इंडिया से कोई भी 1,000-1,500 में अभी बहुत सारी एजेंसी कर देती हैं, तो आप उधर से करवा सकते हो। अभी किसी ने करवाना हो तो कोई बात नहीं, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप वहाँ से 1,000-1,500 में आपका नॉर्मली मेडिकल वो हो जाएगा। तो दूसरा जो कमेंट था वो दोस्त ने पूछा था कि सर अभी जो करंट सिचुएशन है इंडिया से, वीज़ा रेशो है कितनी है या कैसे वीज़ा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो अभी रेशो तो आपको बहुत पहले से ही पता है कि इंडिया से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है वीज़ा की रेशो, लेकिन उसका एक कारण है कि अभी दोस्त ने पूछा था कि सर 10 नंबर की जो रिजेक्शन है वही क्यों आती है, तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे से ताकि आपको भी थोड़ा पता चल जाए। तो 10 नंबर के दोस्तों ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो वर्क परमिट है ना आपको जनवरी में मिल गया, 1 जनवरी 2024 को ना, 1 जनवरी 2024 को आपको वर्क परमिट रिसीव होता है पोलैंड से, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फॉर एग्जाम्पल फरवरी से स्टार्ट करना है उनको काम, और दिसंबर तक 10-11 महीने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि ये काम है बिल्डिंग का, ये आपको बिल्डिंग बनानी है, इसके लिए इतना टाइम लगेगा, कंपनी ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कंपनी ने 20 बंदों को जो वर्क परमिट दे दिया कि हाँ हमको ये 20 बंदे चाहिए। अभी 20 बंदे बैठे हैं इधर फॉर एग्जांपल इंडिया में बैठे हैं, सऊदी में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, कुवैत में बैठे, किधर भी बैठे हैं, अभी आपने क्या ड्रॉ सिस्टम में अपना नाम डाल दिया, ठीक है, वेट करते रहे 5 महीने, नहीं ड्रॉ में नाम आया, 10 महीने वेट किया नहीं आया, 1 साल वेट किया नहीं आया, तो आपने सोचा अभी इतना टाइम वेट कर लिया पता नहीं ड्रॉ में सिस्टम में नाम आएगा या नहीं आएगा, चलो ऐसा करते हैं इंडिया से अपॉइंटमेंट है कोई बात नहीं, जहाँ इतने पैसे लगने हैं 70-80,000 लगा के, और पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन हमको वीज़ा तो मिल जाएगा, कि अभी वर्क परमिट ले लिया है एजेंट को 5-7,000 दे दिया है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि अभी 60-70,000 और लगाते हैं, लगा के इंडिया में जाते हैं सबमिशन करते हैं तो वीज़ा मिल जाएगा। इंडिया में जाते हो जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में अप्लाई कर दिया आपने,
तो वो अम्बेसी है ना आपकी, आप पहले तो आपकी कंपनी को वो चेक करते हैं अपने, उनको जो उनके पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं कंपनी को चेक करने के, ये कंपनी वर्क परमिट लीगल है, तो चलो वो तो अगर आपका ड्रॉ सिस्टम में जो आपका वर्क परमिट डाला था तो वो ओरिजिनल ही होगा, ठीक है, अगर नहीं ओरिजिनल होगा तो आपका ड्रॉ सिस्टम में वो ईमेल आपको आएगा ही नहीं एम्बेसी की तरफ से, तो चलो आपका वर्क परमिट चेक हो गया, उसके बाद में आपकी कंपनी को ईमेल जाती है एम्बेसी की तरफ से, ठीक है, या तो वो ईमेल करते हैं, कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि आपके वर्क परमिट के ऊपर कंपनी का ईमेल भी होता है, कंपनी का नंबर भी होता है, ईमेल भी करते हैं वो, ज़्यादातर ईमेल जाती है, और नहीं तो वो कॉल करके पूछते हैं कि सर ये बंदे हैं, आपने इस बंदे को वर्क परमिट दिया था, आपने इस बंदे का वर्क परमिट इशू किया था, तो ये बंदा अभी ऐसा करके फाइल लगाई है, अभी कंपनी के पास आपका पहुंचा नेक्स्ट जनवरी 2025 में, ठीक है, एक साल आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, एक साल पड़ गया आपका गैप, अभी कंपनी के पास वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बुलाना था वो कॉन्ट्रैक्ट तो उनका चला गया, वो तो खत्म हो गया, ठीक है, कैसे भी करके उन्होंने बंदे अरेंज किए, लोकल उधर से लिए या कुछ भी किया, वो कंपनी का अभी कंपनी का काम तो नहीं रुकने वाला ना, अभी दो चार बंदों की वजह से तो उनका काम नहीं रुकेगा, तो उन्होंने अपना काम कर लिया, अभी उनके पास ऑन द मोमेंट नहीं है काम, ठीक है, उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है जितने बंदे हैं उनसे उनका काम चल रहा है, तो उनको नए बंदे नहीं चाहिए, जब चाहिए थे तब आप नहीं पहुंचे, तब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तब आप नहीं जा पाए उधर, ठीक है, तो अभी कंपनी उस टाइम में क्या बोलेगी बताओ, उस टाइम में यही बोलेंगे ना कि सर अभी तो हमको जरूरत नहीं है, वर्क परमिट दिए थे लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए थे, लेकिन वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था अभी वो खत्म हो गया, जब वो हमने फिनिश कर दिया उस वहां से काम, अभी हमको बंदे नहीं चाहिए, तो फिर वो एम्बेसी क्या है आपको 10 नंबर की रिजेक्शन देती है कि हाँ तुम उधर जाके स्टे नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी बोलेगी कि सर अभी हमारे पास ना तो बंदे रखने के लिए अकोमोडेशन है, वो अकोमोडेशन में पहले ही बंदे होंगे, आपकी जगह पे कोई ना कोई तो हायर किया होगा उन्होंने उधर से, ठीक है, तो अभी कंपनी आपको अकोमोडेशन भी नहीं देगी, अभी कंपनी अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं दिया उनका, तो ऑब्वियस सी बात है ना एम्बेसी क्यों देगी आपको वीज़ा, क्यों उसको ट्रस्ट होगा एम्बेसी को कि आप उधर जाके ठहरोगे, आपकी कंपनी के पास काम नहीं है, आपकी कंपनी अकोमोडेशन आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो उनको पता है ना कि ये बंदा जाएगा किसी दूसरी कंट्री में मूव होगा या कैसे, तो फिर आपको वो 10 नंबर की रिजेक्शन देते हैं, ठीक है, और 10 नंबर की रिजेक्शन आती है तो फिर हम अपने चलो जो भी आपका एजेंट है, आप कंपनी के साथ बात करते हो, तो चलो जैसे भी करके अगर आपकी कंपनी रिस्पॉन्स देती है आपको, वो भी अगर कम समय हुआ हो तो कंपनी आपको रिस्पॉन्स देती है कि हाँ चलो ठीक है मैं ये डॉक्यूमेंट देता हूँ या कंपनी को, आप ये डॉक्यूमेंट है वो एम्बेसी में लगाएं, तो बहुत कम चांस होते हैं आपको वीज़ा मिल जाए, नहीं तो अगर आपका एक बार वीज़ा जो रिफ्यूज़ल आ गई तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको रीअपील के टाइम में वीज़ा मिल जाए, ठीक है, तो इसलिए अभी आप अपना ये ऐसे प्लान करो, पहली बात तो पोलैंड के लिए अप्लाई ना करो, यही अच्छा होगा आपके लिए, दूसरी किसी कंट्री में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 100,000 ज़्यादा लग जाएगा आपका, लेकिन टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, अभी पोलैंड के लिए तो टाइम भी वेस्ट है और आपका पैसा भी वेस्ट है, ठीक है, अभी जो दोस्त नए अप्लाई करना चाहते हैं वो मेरी बात ये ध्यान से सुने, पोलैंड के लिए अप्लाई ना करें, दूसरी अभी कंट्री है अभी रोमानिया और दूसरी कंट्री बल्गारिया है, ठीक है, वो भी अभी शेंगेन में 31 तारीख को उनके जो बॉर्डर है वो ओपन हो जाएंगे, तो आपके लिए दो कंट्री एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, जाना तो आपको शेंगेन ही में ही है, अभी हर किसी बंदे का यही प्लान है, ना किसी को पोलैंड में टिकना है ना किसी को बल्गारिया में टिकना है, जिसने अपना प्लान बनाया हुआ है कि मेरे को उस कंट्री में जाना है, मेरे को तो मतलब जाना तो सबको वहीं पर ही है ना, जहाँ पेपर आपके इजी बनते हैं, जहाँ आपकी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर अच्छी है, आपको डॉक्यूमेंट जल्दी मिलते हैं, TRC आपको जल्दी मिलती है, सही है ना, तो इसलिए आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको तो मूव तो पुर्तगाल में होना है, या अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए तो आप जहाँ फिर देखोगे जर्मनी में होगे मूव, तो इसलिए आप वही कंट्री देखो जहाँ पर आपको मतलब आपका जल्दी काम बन रहा है, अभी पोलैंड का काम तो जल्दी बनेगा नहीं, ठीक है, अभी आपका वर्क परमिट आ गया 2-3 महीने में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी, अब कंपनी में इतनी रिफ्यूज़ल मतलब इतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है तो कहाँ पर आप जा पाओगे, तो इसीलिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अर्मानिया के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बल्गारिया के लिए ट्राई कर सकते हो, क्रोएशिया के लिए, हंगरी के लिए, लिथुआनिया के लिए थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने, बट फिर भी आप जब भी अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, जिस भी कंट्री में आपको अप्लाई करना है सबसे पहले अभी तो इस टाइम में ना सबसे पहले आपको एजेंट को यही पूछना है कि सर उसको कितना टाइम लगता है अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि वर्क परमिट आपको मिल जाएगा 2 महीने में नहीं, 3 महीने में, 4 महीने हद मिल जाएगा,
लेकिन जब अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी तो वर्क परमिट लेके टाइम पे क्या करोगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले अभी जब बात करने जाना है ना, तो सबसे पहले पूछो सर कितना टाइम लगेगा अपॉइंटमेंट के लिए, कितना टाइम लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2 महीने में वर्क परमिट दे के बाद में 1 साल हमको अपॉइंटमेंट के लिए बैठना पड़े, ठीक है। तो अभी बहुत सारे दोस्तों के साथ ना अभी क्या हो रहा है, अभी जिधर भी चले जाओ, दुबई में देख लो, सऊदी में देख लो, कतर में देख लो, ऑल अरब कंट्री में अभी रमादान चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप टिकटॉक ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, सब एजेंट ने बोला है हाँ अभी तो हमने ऑफर लगा दिया, रमादान ऑफर है, ये ईद अभी रमादान ऑफर चल रहा है, फिर ईद ऑफर आ जाएगा। हर ने ऑफर लगाया, सिर्फ एक कंट्री में, वो है पोलैंड। कोई आपको 500 दिरहम लेस कर रहा है, कोई 1000 लेस कर रहा है, किस लिए? क्योंकि उनको पता है हमारी उनकी जिम्मेवारी सिर्फ आपको वर्क परमिट दिलाना है, ठीक है। और उतना पैसा वर्क परमिट से, मतलब ज्यादा पैसा वो आपसे पहले ही मतलब ले लेते हैं, ठीक है। आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसा करेंगे, आपको बोलेंगे जी 3000 पहले दे दो, 4000 बाद में दे दो, 3000 बाद में, 4000 बाद में, ऐसे करके वो जो पैसा है ना वर्क परमिट का, वो आपसे पहले निकाल लिया होता है उन्होंने। जितना पैसा उनका खर्चा आएगा ना, उससे ज्यादा पैसा वो आपसे पहले निकाल लेते हैं, और आप इस बहम में रहते हो, अरे हाँ मेरा तो वीजा बाग, हाफ से ज्यादा पेमेंट तो मेरे को वीजा आने के बाद ही देनी है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप वर्क परमिट को करोगे भी क्या, अगर आप उस पर कुछ कर ही नहीं सकते, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा, तो क्या करना है वर्क परमिट का? अभी हम सस्ता देख के फंस जाते हैं, अरे हाँ यार उस कंट्री के लिए तो ऑफर लगी हुई है। अभी जैसे देखते हैं ना, तो हर साइड में पोलैंड 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 हो रहा है, तो सभी उस चक्कर में ना फंस रहे हैं, सभी उस चक्कर में फंस रहे हैं कि हाँ यार पोलैंड का काम, तो क्योंकि अभी एजेंट लोग भी ऐसे ही है ना। और सबसे बड़ा काम है ना आपके फंसने का, सबसे बड़ा चक्कर है जो वीडियो बनती है, ठीक है। कोई भी एजेंट है, अभी उसके 100 वीजा उन्हें अप्लाई किया, 10 वीजे लगे, 90 नहीं लगे, लेकिन वो 10 बंदों की वीडियो बना के ना, और बहुत सारे एजेंट तो मैंने ऐसे देखे हैं, वीजा उनका 1 लगा होता है, लेकिन वो 1 बंदे की वीडियो ना 50 बार अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, 5-6 बार एक ही बंदे की वीडियो इंस्टाग्राम पे, एक ही बंदे की वीडियो होती है, वो ही 5-6 बार उसके ड्रेस चेंज करवा के ऐसे, पहले स्टार्टिंग में उसका जब वर्क परमिट आएगा, पहले जब सबमिशन लेटर आएगा तब उसकी वीडियो बनेगी, वर्क परमिट आएगा तब उसकी वीडियो बनेगी, अपॉइंटमेंट आएगी तब उसकी वीडियो बनेगी, अगर उसका वीजा लग गया तो तब उसकी वीडियो बनेगी, जब फ्लाइट करने जाएगा तब उसकी वीडियो बनेगी, ठीक है। एक ही बंदा होता है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि वो एक ही बंदे की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप स्क्रॉल करोगे, वीडियो देखोगे, आपका उस टाइम में जो ब्रेन है ना उसकी तरफ जाएगा कि हाँ यार इसका वीजा लग गया, स्क्रॉल करोगे आप उस चीज को भूल जाओगे, नेक्स्ट वीडियो चाहे फिर से उसकी आ जाए, लेकिन आप वो नहीं सोचोगे अरे यार ये तो सेम ही बंदा है, ठीक है। ऐसे करके ना आपका वो ब्रेन वॉश करते हैं, आप अभी जिधर भी आप स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम पे, हर जगह में आपको पोलैंड के बारे में दिखेगा, ठीक है। अभी पूरे पूरे दिन बंदे ऑनलाइन में बैठा रहते हैं, जो एजेंट लोग हैं सब मतलब ऐसे वीडियो बना रहे हैं, कैसे भी करके उनका काम वही है कि अभी उनको ना इजी रास्ता मिला हुआ है, अभी उनका वही है पोलैंड के लिए अप्लाई करना, वर्क परमिट आ गया तो उनका काम खत्म है, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आप चले जाओ, अपने वो डॉक्यूमेंट दे देंगे, नहीं मिलेगी तो वो बोलेंगे भाई इंडिया में जाओ, इंडिया से जाके ले लो, अभी 60-70 हज़ार खर्च के आप जाओगे, बाद में आपका वीज़ा नहीं लगता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपने पैसे ले लिए, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो इसीलिए अभी बोल रहा हूँ कि पोलैंड के लिए अप्लाई ना करो, दूसरी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, शेंगेन में अभी तो 29 कंट्रीज हो गई है भाई, आपको सिर्फ पोलैंड ही क्यों चूज़ करना है, बहुत सारी दूसरी कंट्रियाँ ना उनको चूज़ करो, क्रोएशिया में चूज़ करो, अभी क्रोएशिया की अपॉइंटमेंट के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, हंगरी की अपॉइंटमेंट भी थोड़ी इजीली अभी मिल रही है, तो उसमें ट्राई करो ना, क्यों आपको मतलब उसी में ट्राई करना है जहां पता भी है आपको, ठीक है, कि आगे खड्डा है लेकिन फिर भी आपको चल के जाना है। तो इसीलिए पोलैंड को अभी स्किप कर दो, ठीक है, नो मोर पोलैंड, पोलैंड के लिए अभी बंद कर दो अप्लाई करना, ठीक है। अभी बंद करोगे आप तो फिर कोई नया सिस्टम आएगा कि हाँ ठीक है यार अभी उनको बंदे चाहिए, तो फिर वो इजीली सिस्टम करेंगे, लेकिन अभी आप हम ऐसे अप्लाई करते नहीं करते रहेंगे तो वो तो सिस्टम बिजी रहेगा ना, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो मतलब दूसरे जो उधर के बंदे हैं वही ले जाते हैं, क्योंकि हम तो अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से इधर ही बैठे हैं। तो एक भाई ने मेरे से पूछा था बैंक स्टेटमेंट के बारे में, तो दोस्तों मैं बैंक स्टेटमेंट आपको मैं हर वीडियो में तकरीबन बोला हूँ, जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है ना बैंक स्टेटमेंट के बारे में, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपको बनाओ, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट ऐसा नहीं आपको सिर्फ पोलैंड के लिए, अभी तो ऐसा सिस्टम हो रहा है कि हर कंट्री जब भी उसकी न्यूज़ देखते हैं तो हर कंट्री बैंक स्टेटमेंट अभी मांग रही है, ठीक है। हंगरी के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए,
ठीक है, अभी आने वाले टाइम में ऐसा होगा ना, हर कंट्री भाई आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगी, तो इसलिए अभी आप पहले से अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको रेडी करो। बाकी अभी पीसीसी है वो तो आप मौके पे बना सकते हो जब भी आपको चाहिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पहले कैसे बनाओगे? हाँ बन जाएगी, अभी जो आप सोच रहे हो बन जाएगी, दूसरे तरीके से तो बन जाएगी, ठीक है, लेकिन जेन्युइन की बात कर रहा हूँ। अगर जेन्युइन आपके पास चीज़ है तो आपको एक डर नहीं होता है, ठीक है। अभी नकली बना लोगे तो डर तो रहेगा ना आपको, बाद में कुछ भी 19-21 हो गई तो आपको तो पता ही है ना कि नकली बनाई है। तो मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, तो जेन्युइन अपनी ज़्यादा नहीं तो 3 लाख की जो स्टेटमेंट है ना आप बना के रखो 5 से 6 महीने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टूरिस्ट में जाना है तो वो भी आपके काम आएगी, किसी भी कंट्री में जाना है। अभी फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि जैसे बुल्गारिया है, अभी उसके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर कल को शेंगेन में आते ही उन्होंने बोल दिया कि भाई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, रोमानिया के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो फिर क्या करोगे? फिर उसके लिए फिर से बनानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए बोल रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट अगर तो आपने बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से ट्राई करो बैंक स्टेटमेंट आपकी बना के रखो लगभग 3 लाख की, ताकि आपको बैंक स्टेटमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और अगली वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक स्कैम हुआ है बहुत बड़ा। तो अगली वीडियो में स्कैम के ऊपर आपको उस एजेंसी का सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, उनका लाइसेंस, उनके बंदे जो जो काम कर रहे थे, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेके आऊँगा, और उसको एडिट करने में, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रख ली है लेकिन उसको एडिट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, उसमें पूरा मैं दिखाऊंगा कौन कौन से बंदे थे और कौन सी एजेंसी थी, किस नाम से उनका लाइसेंस था, एजेंसी का नाम भी बताऊंगा, ठीक है, और बंदों का नाम भी बताऊंगा, बंदों की फ़ोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।